बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस्लामी स्कूल में इस वक्त इल्मी सफ़र का प्रोग्राम चल रहा है। उसी इल्मी सफ़र के प्रोग्राम के तहत आज हमारा कंपटीशन है क्लास 6 और क्लास 5 के बच्चों का। इन बच्चों को हमने 5 ग्रुप में बांटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई। मेरे पास ये प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र को मास्टर समसुद्दीन साहब ने तैयार किया है। इसमें 50 प्रश्न हैं। एक ग्रुप से एक बच्चे को 3 प्रश्न के उत्तर देने का राइट अधिकार है। यदि बच्चा 3 से अधिक प्रश्न का उत्तर देता है तो उसको आधे नंबर मिलेंगे, और एक प्रश्न के उत्तर के 10 नंबर हैं, आधे नंबर 5 नंबर मिलेंगे। आज के हमारे जज हैं मोहम्मद मुजम्मिल रजा। जिस ग्रुप के ज़्यादा नंबर आएंगे वही ग्रुप आज का हमारा विनर ग्रुप होगा। अब बिना किसी देर के हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत ग्रुप ए से करते हैं। कब्र पर मिट्टी कितनी बार डालना चाहिए? 3 बार। कब्र पर मिट्टी 3 बार डालना चाहिए। रोजा कब फर्ज हुआ? 2 हिजरी। रोजा 2 सन हिजरी को फर्ज हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस औरत से निकाह किया? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। प्रथम गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? जूलियस न्यूरेरे। प्रथम गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार मिला था वो जूलियस न्यूरेरे को मिला था। सरस्वती सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1991। ठीक है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्रकार ये हमारा पहला राउंड बराबरी पर समाप्त हुआ। सभी ग्रुप ने अपने अपने आंसर दिए प्रश्नों के। प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे मिला? हरिवंश राय बच्चन। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के वालिद थे, जिन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला। दिस इज यूजलेस का मीन हिंदी में क्या है? ये बेकार है। व्हाट इज दिस का मीन हिंदी में क्या है? ये क्या है। वेरी गुड, माशाल्लाह। वंस अगेन का मीन हिंदी में क्या है? फिर एक बार। एक बटा दो का आधा कितना होगा? 2/4। 1/4। 1/2 का आधा 1/4। अल्लाह का रहम करम है, ये दूसरा राउंड भी बराबरी पर समाप्त हुआ है हमारा। 4875 को निकटतम साइकिलों में कितने लिखेंगे? 4900। ठीक है, 4875 को निकटतम साइकिलों में 4900 लिखा जाएगा। ठीक है। तमाम जानदार मखलूक की रूह कौन सा फरिश्ता निकालता है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। तमाम जानदार मखलूक की रूह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ठीक, माशाल्लाह। कुरान शरीफ में कितने फरिश्तों का जिक्र आया है? 7 बार। 7 यानी कितने फरिश्तों का जिक्र आया? 7 फरिश्तों का जिक्र आया है कुरान शरीफ में। कौन सी नमाज में दुआए कनूत पढ़ी जाती है? ईसा की नमाज में। ये हमारे अफसी अफ़ी ने बताया कि ईसा की नमाज में दुआए कनूत पढ़ी जाती है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 2001 में। ये तीसरा राउंड भी हमारा बराबरी पर समाप्त हुआ है, और हम चौथे राउंड की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसे मिला? श्री श्री पंडित रविशंकर को सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार मिला। राजीव गांधी, जो अब उसका नाम है मेजर ध्यानचंद, पुरस्कार की स्थापना कब हुई? उन्नीस सौ इक्यानवे में हुई है। अब इस पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। एक्सक्यूज मी का मीन हिंदी में बताओ। माफ करो।
माफ करना, एक्सक्यूज मी माफ करना, ये दूसरा आंसर था अरमान का। लिसन केयरफुली का मीन हिंदी में बताओ। लिसन केयरफुली, गौर से सुनो। इनिशियल लिसन केयरफुली, गौर से सुनो। दिस इज नॉट योर का मीन हिंदी में बताओ। ये तुम्हारा नहीं है। ठीक है, ये हमारा चौथा राउंड भी बराबरी में समाप्त हुआ है। सूत्र दूरी का क्या होता है? सूत्र चाल। दूरी बराबर समय। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, त्रिभुज के दो कोणों का मान 90 अंश है तो तीसरे कोण का मान कितना होगा? 90 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है तो दो कोणों का मान 90 अंश है तो तीसरे कोण का मान कितना होगा? 90 अंश। ठीक है, राइट। कुरान शरीफ में अहमद शब्द कितनी बार आया है? एक बार। कुरान शरीफ में अहमद शब्द एक बार आया है। कुरान सबसे अधिक नमाज नफल कौन सी फर्ज नमाजों में है? सबसे अधिक नमाज नफिल कौन सी फर्ज नमाज में है? नहीं, फर्ज नमाजों में, ईशा की नमाजों में। ईशा की नमाज जस्ट आकर के ध्यान दे कि बच्चे ने अपने कितने प्रश्न का उत्तर दिया है। अस्सलातो खैरुम मिनन नौम, अस्सलातो खैरुम मिनन नौम का क्या अर्थ है? नींद से बेहतर नमाज। आपको बताता चलूं बच्चों, जब फजर की अजान होती है तो उसमें ये अल्फाज ऐड किए गए हैं, अस्सलातो खैरुम मिनन नौम, तो नींद से बेहतर नमाज है। ठीक है, सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? विश्वनाथ आनंद। ये सालिम का भी दूसरा आंसर है, विश्वनाथ आनंद। सी के नायडू पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1954 सर्वप्रथम सी के नायडू पुरस्कार किसे मिला? मालूम है तुमको? नहीं मालूम? जीरो नंबर दिया जाए भाई, पांच के राउंड में गुरु नंबर सी को जीरो नंबर दिया जाए। सर्वप्रथम सी के नायडू पुरस्कार किसे मिला? लाला अमरनाथ को। ठीक है, सर्वप्रथम सी के नायडू ये पुरस्कार लाला अमरनाथ को मिला। ये भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। डोंट गेस्चर का मीन हिंदी में क्या है? नहीं, मालूम? नहीं, मिसबा मालूम है बेटा? हाँ बता। नहीं, ये इस राउंड में भी इस ग्रुप को जीरो नंबर दिए हैं, ग्रुप ई को। डोंट गेस्चर, इशारे मत करो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये दूसरा आंसर है। तीसरा इशारा मत करो। आई डोंट बिलीव का मीन हिंदी में क्या? मैं नहीं मानता। ठीक है, आई डोंट बिलीव मैं नहीं मानता। से 3/4 में अंश और हर बताओ। अंश कितना, हर कितना? अंश 3 और हर 4। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अंश 3 हर 4। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11। बस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मिसबा ने अपने तीनों प्रश्न के उत्तर दे दिए हैं शायद। ठीक, अच्छा, कूड़ों की फातह इस्लामी साल के कौन से महीने में होती है? रजब के महीने। कूड़ों की फातह इस्लामी साल के रजब के महीने में होती है। कौन सी सूरह में हर बीमारी से शिफा है? सूरह फातिहा। हर बीमारी से शिफा है। सबसे पहले
इस्लाम के मुक्तदी कौन हुए? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई? माशाल्लाह इस ग्रुप से ये बच्ची बहुत ज्यादा आंसर दे रही है। 1969 में सर प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? संजय? नहीं नहीं नहीं, मालूम है किसी को? ये जीरो नंबर दिया जाए। सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? देविका रानी। देविका रानी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देविका रानी। आईफा अवार्ड की स्थापना कब हुई? आईफा अवार्ड, अवार्ड 2000 में। इसका तीसरा आंसर है आईफा अवार्ड की स्थापना 2000 में। स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग का मीन हिंदी में क्या है? नहीं 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 नहीं, ये जीरो नंबर दिया है। जैसा स्टॉप किडिंग, मजाक बंद करो, आश्रम का चौथा आंसर है। तीसरा आंसर है मजाक बंद करो। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस हिंदी बताओ क्या मतलब? क्या मजाक, व्हाट नॉनसेंस क्या मजाक है? ठीक है, डोंट मिसलीड मी, डोंट मिसलीड मी, मुझे गुमराह मत करो, मुझे गुमराह मत करो। पांच नंबर दिया जाए चौथा आंसर है। तीसरा, ठीक है, मुझे गुमराह मत करो। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये शोएब ने बताया लाभ गुणा सौ बटे क्रेम। ठीक है, चौदह का पारा सुनाओ किसके याद तुम मुझे? चौदह की टेबल है यार, है किसी याद नहीं है? चौदह का पारा किसके याद है? जीरो नंबर दिए आराम सुना। ठीक है, अश्विन ने चौदह का पाठ सुनाया। कौन से नबी कब्र में खुद गए? हजरत हारून अलैहि सलाम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमाज में दो सजदे, नमाज में दो सजदे करना क्या है? फर्ज। नमाज में दो सजदे करना फर्ज है। सर्वप्रथम आईफा अवार्ड किसे मिला? हाँ, आईफा अवार्ड किसे मिला? नहीं, जो नंबर दिया जाए। सर्वप्रथम आईफा अवार्ड किसे मिला? इसको भी जीरो नंबर दिया इस ग्रुप को। हाँ, सर्वप्रथम आईफा अवार्ड किसे मिला? संजय लीला वंसाली को। सर्वप्रथम आईफा अवार्ड संजय लीला वंसाली को मिला। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1984 नहीं, हाँ बताओ। नहीं, सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1954 में। 10 नंबर दिया जाए। लेट हिम गो का मीन, लेट हिम गो का मीन हिंदी में क्या है? उसे जाने दो। ठीक है, इसके 5 नंबर दिए हैं, चौथा आंसर है। तीसरा, फ्यू डेज, फ्यू डेज आर ओ का मीन हिंदी में क्या है? पहले, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से ये आज का हमारा सुपर जी के कंपटीशन का प्रोग्राम समाप्त हुआ। कुछ ही देर में हमारे 10 महोदय
फाइनल स्कोर काउंट करके बताएंगे कि किस ग्रुप को कितने नंबर मिले। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से हमारा जो जज साहब ने फाइनल स्कोर काउंट करके बताया है, ग्रुप ए 120 मार्क्स 120 नंबर, ग्रुप बी 110 मार्क 110 नंबर, ग्रुप सी 80 मार्क्स, ग्रुप डी 110 मार्क्स 110 और ग्रुप ई 80 मार्क 80 नंबर। 120 नंबरों के साथ आज का हमारा ये विनर ग्रुप है, ग्रुप ए।